हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल लर्न विद श्रुति में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए यूनिट थर्ड का एक टॉपिक लेके आई हूँ, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग फ्रेम्स, जो कि थियोरी ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट से है। अब इसमें देखिए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग फ्रेम्स क्या होती है, जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्रेम्स होती है बिल्डिंग में, किसी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में। और उसमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगते हैं विंड के कारण, सीजमिक इफेक्ट्स के कारण, और ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के कारण एक्सियल फोर्स कॉलम में और बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है हर मेंबर में इन फ्रेम्स के। तो इसके लिए हमें एनालिसिस करना होता है। तो एनालिसिस करने के लिए दो प्रोसीजर्स होती है, जो कि होती है एक पोर्टल मेथड और दूसरी होती है कैंटिलीवर मेथड। तो अब हम जो दोनों मेथड्स है उसे हम क्वेश्चन से समझेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पर, एनालिसिस द फ्रेम शोन इन फिगर बाय पोर्टल मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेट स्ट्रक्चरल एनालिसिस। हमें पोर्टल फ्रेम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन क्या है, देखिए कि इस पॉइंट पर 50 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पर 100 किलो न्यूटन का एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है। ये वाला जो स्पान है ये 4 मीटर, ये सारे 4 मीटर के हैं, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के 6 मीटर है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 5, एंड दिस इज ऑल्सो 5 मीटर्स है। अब इसको सॉल्व करने की प्रोसीजर क्या होती है फ्रेंड्स? तो देखिए, प्रोसीजर कुछ इस तरीके से होती है कि सबसे पहले तो ये पूरा डायग्राम है, इसकी हम नेमिंग कर लेंगे, मतलब A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, इस तरीके से हम सारी नेमिंग कर लेंगे। उसके बाद पॉइंट है कॉलम शियर। ये जो भी कॉलम है इसमें शियर फोर्स जनरेट होगा, बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा, तो हम सबसे पहले कॉलम शियर निकालेंगे, उसके बाद कॉलम मोमेंट्स निकालेंगे, उसके बाद बीम मोमेंट निकालेंगे। जो भी बीम्स दिख रही है आपको, इन बीम पर हम मोमेंट निकालेंगे, और उसके बाद एक्सियल फोर्सेस निकालेंगे। जो एक्सियल फोर्सेस होते हैं ये बैलेंस्ड होने चाहिए। अब जो पोर्टल फ्रेम मेथड है इसके कुछ अजम्पशंस हैं। तो ये क्या अजम्पशन पर बेस्ड होती है? तो देखिए, पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इन ऑल मेंबर्स लाय एट देयर मिड स्पान। जो भी कॉन्ट्राफ्लेक्चरल पॉइंट्स होते हैं वो मिड स्पान पर लाए करते हैं, मिड स्पान पर लाए करते हैं इस तरीके से। और सेकेंड पॉइंट है हमारा कि हॉरिजॉन्टल शियर टेकन बाय ईच इंटीरियर कॉलम इज डबल द हॉरिजॉन्टल शियर टेकन बाय ईच एक्सटीरियर कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये इंटीरियर कॉलम है, देखिए डायग्राम में ये जो कॉलम है ये इंटीरियर कॉलम है। तो इंटीरियर कॉलम में जो हॉरिजॉन्टल शियर होगा यहाँ पर, ये डबल होगा इस एक्सटीरियर कॉलम में शियर के, इस एक्सटीरियर कॉलम में जो शियर होगा उसके डबल होगा। मतलब सपोज कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पर P अज्यूम कर रहे हैं शियर, कॉलम शियर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2P, यहाँ पर भी हो जाएगा 2P और यहाँ पर हो जाएगा P। तो ये अजम्पशंस को लेकर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस डायग्राम को मैं फिर से बना लेती हूँ। क्वेश्चन है हमारा एनालिसिस ऑफ फ्रेम्स। तो ये देखिए, ये मेरा एक रफ डायग्राम बन चुका है यहाँ पर। ये डिस्टेंस है 4 मीटर का, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है 50 किलो न्यूटन, और यहाँ पर एक लग रहा है 100 किलो न्यूटन का। ये जो डिस्टेंस है ये है 4 मीटर का, और ये वाला डिस्टेंस है 6 मीटर। यहां पर फिक्स्ड एंड है,
इस तरीके से, और इन इस इन लोगों के इन सबके बीच का जो डिस्टेंस है ये है 5 मीटर्स का, ये है 5 मीटर, ये भी है 5 मीटर, ये भी है 5 मीटर। अब देखिए फ्रेंड्स हमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसकी नेमिंग कर रहे हैं, जो हमारी फर्स्ट स्टेप है ये है कि नेमिंग कर रहे हैं। तो अब नेमिंग करने के लिए हम फिर से एक बार इस डायग्राम को बना लेते हैं। ये देखिए डायग्राम बन गए, अब सारे पॉइंट्स में हम नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग किस प्रकार से करनी है हमको, देखिए मैं आपको बताती हूँ। हम इस कोने से शुरू करेंगे, तो जब हम इस कोने से शुरू करेंगे तो यहाँ पर इस पॉइंट का नाम दे देंगे ए, ये बी, ये सी, ये डी, फिर यहाँ पर ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, और ये पॉइंट हो गया एल। इस तरीके से हमने पूरी नेमिंग कर दी। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि कॉलम शियर। अब कॉलम शियर हमने अजम्पशन में पढ़ा है कि जो एक्सटीरियर होता है इंटीरियर में उसका डबल होता है, तो एक्सटीरियर में हम मान लेते हैं कि है 2p, इस तरीके से पी है, तो इंटीरियर में कितना हो जाएगा 2p, यहाँ पर हम लिख देंगे 2p, फिर यहाँ पर भी हम लिख देंगे 2p और यहाँ पर p। वैसे ही इस वाले कॉलम, इस e से i वाले स्पान के लिए यहाँ पर हम लिख देंगे q, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2q, यहाँ पर भी हो जाएगा 2q और यहाँ पर हो जाएगा q। अब उसके बाद बीम शियर, तो बीम शियर को हम नाम दे देंगे R, तो इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे R, यहाँ पर नाम दे देंगे S, यहाँ पर नाम दे देंगे T, फिर यहाँ पर इस वाले को नाम दे देंगे U, इसको नाम दे देंगे V और इसको नाम दे देंगे W। तो ये जो हमने निकाला है P, Q, R, S, T, U, V, W, इन सारी की वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी है। तो अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो है कॉलम शियर की। तो कॉलम शियर यहाँ पर लग रहा है 50 किलो न्यूटन का लोड, यहाँ पर लग रहा है 100 किलो न्यूटन का लोड, ये डिस्टेंस है टोटल 4 मीटर, ये डिस्टेंस है 6 मीटर, यहाँ पर है 5 मीटर, यहाँ पर भी 5 मीटर और यहाँ पर भी 5 मीटर। देखिए अब हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कॉलम शियर, स्टेप नंबर 2, कॉलम शियर। तो अब कॉलम शियर हम कैसे निकालेंगे, तो अब इसके लिए देखिए डायग्राम में कॉलम पर शियर लग रहे हैं, तो ये पी, 2p प्लस 2p प्लस पी, इन चारों को प्लस कर देंगे और इसके इक्वल में हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा है 50, तो इक्वल टू 50 लिख देंगे। तो पी प्लस 2p प्लस 2p प्लस पी इज इक्वल्स टू 50, तो ये हो गया 1 प्लस 2 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, दैट इज 6p इज इक्वल्स टू 50। तो पी की वैल्यू हमें मिल गई 8.33 किलो न्यूटन, 8.33
किलो न्यूटन, वैसे ही हम क्यू निकाल लेंगे। तो क्यू हमें कितना मिलेगा, क्यू प्लस टू क्यू प्लस टू क्यू प्लस क्यू इज इक्वल्स टू, इसके साइड में कितना फोर्स लग रहा है यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट पर 100 किलो न्यूटन, तो इसके इक्वल टू में लिख देंगे 100। ये भी हो जाएगा कितना, 6 क्यू इज इक्वल्स टू 100, तो यहाँ से हमें क्यू की वैल्यू मिल जाएगी 25 किलो न्यूटन। सॉरी, अब देखिए जब हम नीचे आएंगे तो हमें क्या करना है, नीचे जब हम आएंगे तो हमें ऊपर का भी फोर्स कंसीडर करना है, मतलब अब क्यू वाले के लिए क्या हो जाएगा, 100 प्लस 50, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 100 प्लस 50 दैट इज 150, 100 प्लस 50 तो 6 क्यू इज इक्वल्स टू 150, तो यहाँ से हमें क्यू की वैल्यू मिल जाएगी 25 किलो न्यूटन, ये मिल गई हमें क्यू की वैल्यू। तो ये निकल गए हमारे दो कॉलम शियर। अब इसके बाद हम निकालेंगे कॉलम मोमेंट, स्टेप नंबर 3, कॉलम मोमेंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसकी स्टेप भी बहुत इजी है। तो अब हम सबसे पहले सेकेंड स्टोरे के लिए निकालेंगे, स्टोरे सेकेंड, तो सेकेंड स्टोरे के लिए क्या हो जाएगा, देखिए हम मोमेंट कंसीडर करेंगे एम ए ई इज इक्वल्स टू एम डी एच। देखिए एम ए ई डायग्राम में एम ए ई ये वाला कॉलम और एम डी एच ये वाला कॉलम, दोनों में कॉलम शियर पी पी है, दोनों में जो शियर फोर्स लग रहा है वो पी पी लग रहा है, तो दोनों का जो वैल्यू आएगा वो इक्वल हो जाएगा, इसलिए हमने इसको पहले ही एम ए इज इक्वल टू एम डी एच लिख लिया। अब क्या होगा, हमने फर्स्ट अजम्पशन हमने पढ़ा है, देखिए फर्स्ट अजम्पशन हमारा है कि पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इन ऑल मेंबर्स लाई एट देयर मिड स्पान, मतलब मिड स्पान में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन लाए करते हैं। तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स, फोर्स इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए फोर्स क्या हो जाएगा, पी पी हो जाएगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ये इतना हाफ डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, फोर। देखिए डायग्राम में पी इंटू ये हाफ डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास यहां से यहां तक फोर, तो फोर का हाफ हो जाएगा टू, तो हम यहां पर लिख देंगे पी इंटू टू। तो एम ए ई और एम डी एच कितना मिल जाएगा हमें, अभी हमने पी का वैल्यू निकाला था 8.33 इंटू टू, तो ये हो जाएगा 16.66 किलो न्यूटन मीटर, तो ये हमें मिल गया एम ए ई और एम डी एच। अब वैसे ही हम स्टोर, वैसे ही हम बी एफ और सी जी निकाल लेंगे। देखिए ए ई और डी एच निकाल लिया, अब हमको क्या निकालना है, बी एफ और सी जी। तो एम एम बी एफ इज इक्वल्स टू एम सी जी हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो शियर है वो सेम है, तो इसका शियर कितना है 2p इंटू, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा 2p इंटू टू, तो 2 इंटू 8.33 इंटू टू, तो ये हमें मिल जाएगा 33.32 किलो न्यूटन मीटर। तो ये तो निकल गया सेकेंड स्टोरे के लिए, वैसे ही हम निकालेंगे फर्स्ट स्टोरे के लिए, स्टोरे वन के लिए, स्टोरे फर्स्ट के लिए हम निकालेंगे। तो अब स्टोरे फर्स्ट में भी हमें क्या लेना है, देखिए ई आई और एच एल लेना है हमें, मोमेंट एट ई आई एंड मोमेंट एट एच एल हमें इक्वल लेना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एम ई आई इक्वल्स टू एम एच एल, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू इंटू थ्री। देखिए क्यू इंटू थ्री के कैसे इक्वल होगा, क्योंकि ये टोटल ई से आई की अगर हम बात करें और एच से एल की अगर हम बात करें तो टोटल डिस्टेंस 6 है, तो क्यू इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाफ, तो ये हो जाएगी 3, क्यू इंटू 3। तो Q की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी 25 इंटू 3, तो ये हमें मिल जाएगा 75 किलो न्यूटन मीटर। वैसे ही हम
बीच के जो इंटीरियर कॉलम्स है उसके लिए भी निकाल लेंगे। तो एम एफ जे इज इक्वल्स टू एम जी के, तो इसके लिए हो जाएगा 2q into 3। देखिए एम एफ जे इज इक्वल्स टू एम जी के, तो इसके लिए हो जाएगा हमारे पास टू क्यू इंटू थ्री, तो 2 × 25 × 3, तो ये हमें मिल जाएगा 150 kN। तो ये यहाँ पर हमारी स्टेप नंबर थ्री कंप्लीट हो गई। अब वैसे ही हमें क्या निकालना है, बीम मोमेंट्स। तो आप देखिए बीम मोमेंट्स निकालने के लिए सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ मैं आप लोगों को। स्टेप नंबर फोर, बीम मोमेंट्स। तो अब बीम मोमेंट्स हमें निकालना है। सबसे पहले हम कंसीडर क्या करेंगे कि एम ए बी इज इक्वल्स टू एम डी सी इज इक्वल्स टू एम ए ई, और उसके बाद एक ये टी दैट इज बी सी प्लस बी ए इज इक्वल्स टू बी एफ, फिर उसके बाद दूसरा टी दैट इज ए ई प्लस ई आई इज इक्वल्स टू ई एफ, और एक क्रॉस, तो क्रॉस दैट इज ई एफ प्लस एफ जी इज इक्वल्स टू बी एफ प्लस एफ जे। ये तीन पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं, ये चार पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट एम ए बी इज इक्वल्स टू एम डी सी इज इक्वल्स टू एम ए ई। देखिए बीम मोमेंट्स जब हम निकालेंगे तो हमें क्या ध्यान में रखना है, एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ। एम ए बी इज इक्वल्स टू एम डी सी, एम ए बी और एम डी सी इक्वल है और एम ए ई इक्वल है। ये तीन बीम मोमेंट्स हमें इक्वल रखने हैं। और पहला टी, तो पहला टी हमने क्या लिया है, बी सी प्लस बी ए इज इक्वल्स टू बी एफ। तो देखिए बी सी प्लस बी ए इज इक्वल्स टू बी एफ, ये तीन मोमेंट्स हमको लेके सॉल्व करना है। फिर दूसरा टी हमने लिया है ए ई प्लस ई आई इज इक्वल्स टू ई एफ, ए ई प्लस ई आई इज इक्वल्स टू ई एफ। और चौथा हमने लिया है ई एफ यानी कि ये वाला प्लस एफ जी मतलब ये वाला इक्वल टू बी एफ यानी कि ये, और एफ जे यानी कि ये। तो इस तरीके से हमें बीम मोमेंट्स निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या कंसीडर कर लेंगे कि एम ए बी इज इक्वल टू एम डी सी इज इक्वल टू एम ए, तो अब क्या बच जाता है, एम बी सी बच जाता है और एम बी ए। सबसे पहले हमें क्या लेना है, बी सी और बी ए। फर्स्ट हमें लेना है एम बी सी प्लस एम बी ए इज इक्वल्स टू, इसके इक्वल में क्या लिखना है, एम बी एफ। ये देखिए ये वाला पॉइंट हम कंसीडर करेंगे पहला। तो एम बी सी की वैल्यू हमने निकाल ली थी क्या पहले, नहीं निकाली थी, तो इसे हम एज इट इज लिख देंगे एम बी सी को। प्लस एम बी ए की वैल्यू हमने निकाल ली थी, एम बी ए इज इक्वल्स टू एम ए बी, तो इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी, देखिए एम ए ई इज इक्वल्स टू एम ए बी या एम बी ए है, तो इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि है 16.66। देखिए एम ए ई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 16.66, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे 16.66 को इज इक्वल्स टू एम बी एफ। एम बी एफ की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, देखिए यहाँ पर एम बी एफ इज इक्वल्स टू 33.32, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे 33.32 को। तो हमें कितना मिल गया, हमें मिल गया यहाँ से
MBC मिल जाएगा हमें यहाँ से, तो MBC कितना मिल जाएगा, 33.32 एज इट इज रहेगा, और ये प्लस में है तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो हमें यहाँ से MBC मिल जाएगा 16.66 किलो न्यूटन मीटर, ये मिल गया MBC। अब जो ये सेकेंड वाला T है इस तरीके से, तो इसके लिए क्या मोमेंट्स है, AE प्लस EI इज इक्वल्स टू EF, MAE प्लस MEI इज इक्वल्स टू MEF। तो MAE कितना है इस क्वेश्चन में, देखिए MAE हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, वो है 16.66, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 16.66 प्लस MEI, MEI भी हमने निकाला है, ये देखिए EI हमने निकाला है 75 किलो न्यूटन मीटर, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे 75 इज इक्वल्स टू MEF, तो MEF की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो यहाँ से हमें MEF मिल जाएगा, तो MEF इज इक्वल्स टू इन दोनों को प्लस करके हमें मिलेगा 91.66 किलो न्यूटन मीटर। अब थर्ड हमारे पास क्या है, क्रॉस, तो क्रॉस में हमें क्या लिखना है, MEF प्लस MFG इज इक्वल्स टू MBF प्लस MFG। किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये तीन कंडीशंस ध्यान रखनी है, एक स्ट्रेट टी, एक स्लाइड टी और एक प्लस। तो आप देखिए MEF की वैल्यू हमारे पास है, अभी हमने निकाली है MEF की वैल्यू यहाँ से, तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे 91.66 प्लस MFG की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इसे एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल्स टू MBF की वैल्यू भी हमारे पास है, ये देखिए यहाँ पर 33.32, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 33.32 प्लस MFG कितना है 150, अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, देखिए यहाँ पर MFG इज इक्वल्स टू 150 हमने निकाला था, तो इस वैल्यू को भी हम यहाँ पर रख देंगे, तो अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, MFG की वैल्यू, तो इन सब को सॉल्व करेंगे तो MFG की वैल्यू हमको मिल जाएगी 91.66 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमारे निकल गए बेंडिंग मोमेंट्स। अब इसके बाद स्टेप नंबर 5 है बेंडिंग शीयर निकालने की, स्टेप नंबर 5 हमें निकालना है बेंडिंग शीयर। तो अब बेंडिंग शीयर कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए बेंडिंग शीयर यानी कि जो बीम पर है, जैसे कि RST UVW, इन सब की वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी है, तो देखिए R और ये डिस्टेंस कितनी है 5, तो R इंटू 2.5 हो जाएगा, इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, ये वाला मोमेंट MAB, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं R इंटू 2.5 इज इक्वल्स टू MAB, तो R की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी R इंटू 2.5, और MAB की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 16.66, तो यहाँ से हमें R की वैल्यू मिल जाएगी 6.66 किलो न्यूटन। अब इसके बाद हमें निकालनी है S की वैल्यू, तो S हम कैसे निकालेंगे, तो S इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही है 2.5, तो S इंटू 2.5 इज इक्वल्स टू, अब S के लिए क्या आ जाएगा, देखिए S इंटू 2.5 और इसके लिए मोमेंट कौन सा आ जाएगा, MBC, तो यहां पर हम लिख देंगे MBC, तो S इंटू 2.5 और MBC की भी वैल्यू कितनी है 16.66, तो यहां से हमें S मिल जाएगा 6.66 किलो न्यूटन। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ हमको क्या करना है कि एक ट्रिक अप्लाई करके हमें सारे वैल्यूज निकालनी है। फिर इसके बाद T, तो T इंटू 2.5 इज इक्वल्स टू MCD, तो MCD की भी वैल्यू हमारे पास कितनी है 2.5
सॉरी 16.66, तो हमें टी भी मिल जाएगा यहाँ से 6.66 किलो न्यूटन। वैसे ही हम क्या निकाल लेंगे, यू वी एंड डब्ल्यू निकाल लेंगे। तो अब यू के लिए क्या हो जाएगा, देखिए मैं इसे एक्सचेंज कर बताती हूँ। यू के लिए हो जाएगा 2.5 is equals to MEF। तो MEF की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 91.66। तो U into 2.5 is equals to 91.66। तो यहाँ से हमें U की वैल्यू मिल जाएगी 36.66 किलो न्यूटन। वैसे ही हमें निकालनी है V की वैल्यू, तो V into 2.5 is equals to इसके आगे कौन सा मोमेंट है, MFG। तो अब यहाँ पर MFG की वैल्यू लिख देंगे और V की वैल्यू निकाल देंगे। MFG की वैल्यू भी क्या है, 91.66, तो V की वैल्यू हमें मिल जाएगी 36.66 किलो न्यूटन। वैसे ही हम निकाल लेंगे W into 2.5 is equals to इसके सामने कौन सा मोमेंट है, MGH। तो MGH की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, वही सेम जो EF की वैल्यू है 91.66। तो यहाँ से हमें W भी मिल जाएगा 36.66 किलो न्यूटन। तो ये निकल गया यू वी और W। अब इसके बाद जो हमारी लास्ट स्टेप है, तो वो है स्टेप नंबर 6, एक्सियल फोर्स। स्टेप नंबर 6 है हमारी एक्सियल फोर्स फॉर एक्सियल फोर्स इन ईच कॉलम। तो अब देखिए, अगर हम ए जॉइंट की बात करें तो ए पर एक ऐसा फोर्स जा रहा है और एक ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस ए पॉइंट पर हमें कितना मिल रहा है, आर की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आर है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 6.66। और यहाँ पर क्या है डायग्राम में, यहाँ पर भी वैल्यू है 6.66 पी की। इसके बाद हम आते हैं पॉइंट ई पर। तो ई पॉइंट पर इस तरीके से ये ऊपर है, ये ई पॉइंट है और ये नीचे की तरफ, और यहाँ पर से ये ऊपर जा रहा है। तो अब यहाँ पर भी कितना है, 6.66। और यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है ई एफ पर, तो ये लग रहा है 36.66। वी पर कितना मिल रहा है हमें, ये पॉइंट है वी, तो यहाँ पर मिल रहा है 36.66। तो देखिए 6.66 प्लस 36.66 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 43.32। वैसे ही अगर हम आई पर बात करें, ये आई है और यहाँ पर है ऊपर, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 43.32। इस तरीके से हमें डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। अब अगर बी पॉइंट की बात करें, तो बी पर ये बी पॉइंट है, यहाँ से एक ये ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है, सेंटर पर जीरो है, यहाँ पर है 6.66, यहाँ पर भी है शियर फोर्स 6.66 कॉलम शियर। फिर उसके बाद आता है एफ पॉइंट। तो एफ पॉइंट में एक ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है और एक ऐसे ही डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो सेंटर में शियर फोर्स जीरो है, यहाँ पर डाउनवर्ड्स में भी जीरो है,
इधर के साइड कितना है, शियर फोर्स जो की डब्ल्यू की वैल्यू है, तो वो कितनी वैल्यू है, 36.66 अभी हमने निकाला था, और यहाँ पर भी 36.66। और जे में ऊपर की तरफ शियर फोर्स कितना है, 0। वैसे ही सी के लिए बनाएंगे, तो सी के लिए क्या हो जाएगा, सी के लिए हो जाएगा, मैं यहाँ पर बना देती हूँ सेंटर में, ये ऊपर की तरफ और एक ये नीचे की तरफ, यहाँ पर भी लग रहा है 6.66, यहाँ पर भी 6.66, ये डाउनवर्ड्स में कुछ नहीं है मतलब 0 है। फिर ये पॉइंट है जी, जी में भी एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर भी 43.32, यहाँ पर ऊपर 0 है, नीचे भी शेयर फोर्स 0 है, और ये यहाँ पर लास्ट में है के, तो के पर भी अपवर्ड्स में शेयर फोर्स 0 है। तो ये हमारा एक्सियल फोर्स हमें सिर्फ ड्रॉ करके बताना है हर कॉलम के लिए। तो ये कॉलम हमने ए ई आई ले लिया, कॉलम ए ई आई ले लिया फर्स्ट, फिर हमने कॉलम ले लिया बी एफ जे सेकेंड, बी एफ जे, और फिर थर्ड हमने कॉलम ले लिया सी जी और के, सी जी एंड के। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।